हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी रिजल्ट अड्डा। दोस्तों, आज मैं फिर लेकर आया हूँ नई जॉब की जानकारी जो कि सीडेक नोएडा द्वारा निकाली गई है। अगर इसमें पोस्ट नेम की बात करें तो टेक्निकल असिस्टेंट डेटा सेंटर तथा इंफॉर्मेटिव सर्विस की टोटल 5 वैकेंसी हैं जो कि नोएडा में आपकी जॉब पोस्टिंग होगी। और इसमें पे स्केल की बात करें तो लेवल 6 का पे स्केल होगा सभी पोस्ट के लिए। और इसमें टेक्निकल असिस्टेंट एजुकेशन तथा ट्रेनिंग की वैकेंसी है, 1 वैकेंसी है, और टेक्निकल असिस्टेंट एम्बेडेड सिस्टम की 1 वैकेंसी है, और टेक्निकल असिस्टेंट हाई BDPM की वैकेंसी है, 2 वैकेंसी है। जॉब प्लेस सबका नोएडा रहेगा। टोटल इसमें 9 वैकेंसी है जिसमें अनरिजर्व के लिए 4 हैं, SC के लिए 1 है, ST के लिए 1 है, OBC के लिए 2 हैं और EWS के लिए 1 वैकेंसी है। मैंने इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां पर जाएं और इस पे क्लिक करें। इस वेबसाइट पे व्यू डिटेल पे क्लिक करेंगे तो यहां पर पोस्ट नेम लिखकर आ जाएगा और अप्लाई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर जॉब डिस्क्रिप्शन दिया गया है। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर IT में या फिर कंप्यूटर में। इसके अलावा कम से कम 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम 35 साल है। यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करने पर आपको अप्लाई नाउ का बटन दिखाई देगा, आप इस पे क्लिक करें, आपके सामने फॉर्म खुलकर आ जाएगा। आपको ये फॉर्म फिल करना है, मैंने इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उस लिंक पर क्लिक करके फॉर्म को भरें। पहले पर्सनल प्रोफाइल बनानी होगी, फिर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन भरनी होगी, उसके बाद आपको वर्क एक्सपीरियंस की जानकारी देनी होगी, फिर रेफरेंस और प्रीव्यू करके आप फॉर्म को चेक कर सकते हैं। तो जो लोग फॉर्म फिल करना चाहते हैं फिल कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और इसके साथ ही बता दें, अनअकैडमी द्वारा UPSC सिविल सर्विस एग्जाम 2021-22 और 23 की तैयारी करने वालों के लिए नए बैच स्टार्ट किए जा रहे हैं। ये बैच जो है 1 ईयर बैच स्टार्ट किए जा रहे हैं, इसके साथ साथ 2 ईयर बैच स्टार्ट किए जा रहे हैं। इस बैच में प्रीलिम्स और मेंस का सारा सिलेबस कवर कराया जाएगा अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स द्वारा। इसके अलावा प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज करवाई जाएगी और ये बैच जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होंगे। आप अपनी सुविधा के अनुसार इनको ज्वाइन कर सकते हैं। चूंकि UPSC द्वारा सिविल सर्विस एग्जाम प्रीलिम्स की डेट जारी कर दी गई है, आपका 2022 का प्रीलिम्स 5 जून 2022 को होगा, तो अनअकैडमी द्वारा नया प्लान लॉन्च किया गया है जिसमें 7 महीने आपके प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी करवाई जाएगी एकदम स्टार्टिंग से। उसके साथ साथ अगले 2 महीने जो है प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज करवाई जाएगी और रिविजन करवाया जाएगा। उसके बाद 5 जून को आपका पेपर होगा और 10 जून से आपका मेंस का रिविजन कराया जाएगा और टेस्ट सीरीज करवाई जाएंगी और 16 जून को आपका मेंस का एग्जाम है। तो जो लोग UPSC सिविल सर्विस एग्जाम 2022 की तैयारी कर रहे हैं अभी से इसका प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले लें। इसके साथ ही अगर आप 2 साल का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया और कमेंट में पिन किया गया है। आप उस लिंक पर क्लिक करें, उसके बाद SR अड्डा कूपन कोड यूज करें जिससे आपको 10 से 15 हजार तक का मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। इसके साथ ही जिन लोगों के पास पैसे नहीं है और लोन लेना चाहते हैं तो आप लोन ले सकते हैं। ये लोन आपको 0 प्रोसेसिंग फीस पे बिना किसी ब्याज के आपको मिलेगा। 2 घंटे में आपको अप्रूवल मिल जाएगा और कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं पड़ेगा, तो आप कम से कम पेपर वर्क में जो है ये लोन ले सकते हैं। तो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और कमेंट में पिन कर दिया है। और इस लोन में आपको 10% का एक्स्ट्रा ऑफर मिलेगा अगर आप SR अड्डा कूपन कोड यूज करेंगे। और इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।